हेलो दोस्तों, एनएस मोबाइल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मेरे पास है ओप्पो का F1S फ़ोन, जिसमें डिस्प्ले लाइट का फॉल्ट है। और हम आपको दिखाएंगे आज कि कैसे इसके डिस्प्ले लाइट सही कर ली जाए। तो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें डिस्प्ले लाइट नहीं आ रही है। देखो दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, इसमें ओप्पो लिखी आती है लेकिन डिस्प्ले लाइट नहीं आ रही कुछ भी। तो देखिए, मैं बताऊँगा आपको कैसे करनी है, ठीक है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, ये हमारा डिस्प्ले लाइट की पिन है, 3 पिन है, जिसमें 2 माइनस है 1 प्लस है। तो प्लस से हमें एक जम्पर लेना है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं इसको दिखाऊंगा आपको कैसे जम्पर मारना है। ये प्लस लेना है इस साइड से, सबसे फर्स्ट वाला, इस तरफ से जो पहला फर्स्ट है प्लस का है। तो आपको जम्पर लेने है, एक आपको जम्पर ले लेना। तो ऐसे मैं तो आपको सिंपल बता देता हूँ किस तरह से करना है, बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना। तो मैं तो एक बता देता हूँ किस हिसाब से, एक ट्वीज़र में ले लेना है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ले के आपको करना क्या है, सिंपली फिर से डिस्प्ले कनेक्टर लगा देना है ऐसे। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो ये है, ये डिस्प्ले लाइट सेक्शन है सारा। ये कैपेसिटर, ये बूस्ट कॉइल, ये सब डिस्प्ले लाइट सेक्शन है। तो इसी में हमें यहाँ पे 5 वोल्ट कुछ आने चाहिए फिलहाल कैपेसिटर पे, इस तरफ आपको जम्पर लगाना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। देखिए दोस्तों, ऐसे आपको लगाना है, टचिंग करवानी है हल्की सी, चेक करने के लिए कि लाइट आती कि नहीं। देखो दोस्तों, ये हमारे डिस्प्ले में लाइट आ चुकी है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ही जम्पर लगा देना है। मेरा तो अभी ये फोल्डर निकला हुआ था, तो इसलिए मैं इस पे से नहीं ले पाया, डायरेक्ट ही डिस्प्ले लाइट पे से ले लिया, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।